गाइस, तो आ गया हूँ फिर से मैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। उसमें मैंने बताया था चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है, और बता चुका हूँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखा था, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जैसे बताया था चार्ज ऑफ एन आइसोलेशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, और चार्ज इज ऑलवेज कम्स विद मास। सेकेंड वीडियो में हमने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहां से निकल गया था हमारे पास क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। मींस किसी भी बॉडी से हम या तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, चार इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और या दे सकते हैं, ठीक है। मींस 2.5 3.5 इतने इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकाल सकते। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। हमने देखा था स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज की, स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज क्या थी, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज होता है उस पे, ठीक है, इतना हम देख चुके हैं। तो आज क्या देखेंगे हम, किस तरह से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो देखते हैं वे ऑफ चार्जिंग, वे ऑफ चार्जिंग, ठीक है, वे ऑफ चार्जिंग। तो इसके तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या होगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओए चार्जिंग बाय कंडक्शन से देखते हैं, जैसे ही कंडक्शन देगा इट मींस कांटेक्ट होगा। कंडक्शन का मतलब ये कांटेक्ट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इफ टू बॉडी, अगर जब मैं दो बॉडी को एक साथ रब करूं तो ऑब्वियस है एक पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो मैंने क्या की, एक बॉडी को ली जो कि नेगेटिव चार्ज है, मैंने क्या किया एक बॉडी को लिया जो कि नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी ली, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी। फिर मैंने एक अनचार्ज बॉडी ली जिसको मैं चार्ज करना चाहता हूं, अनचार्ज बॉडी, और वी कैन से दैट न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, अनचार्ज बॉडी। फिर मैंने क्या करा दिया इनको, इनको क्या कराया गया, देखा गया कांटेक्ट कराया गया इनको, कांटेक्ट में लाए इन दोनों बॉडी को। इस पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव चार्ज बॉडी थी। हुआ यूं, हुआ ये जो नेगेटिव चार्ज बॉडी थी, ठीक है, इससे जो इलेक्ट्रॉन थे फ्लो कर गए कहां पे, अनचार्ज बॉडी में, और सेम साइन के जो इसके ऊपर सेम जो ये क्या था नेगेटिव चार्ज बॉडी थी, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गए, मींस ये बॉडी भी नेगेटिव चार्ज हो जाती है, ठीक है, एज दैट ऑफ चार्ज बॉडी, ठीक है। यहां पे क्या था, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है बॉडी, ठीक है। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख लेना इसको, न्यूमेरिकल में काम आएगा। इफ मटेरियल शेप साइज क्या है, सेम है ऑफ बोथ द बॉडी, ठीक है, मैंने कोई दो बॉडी ली, मैंने मान लिया नेगेटिव चार्ज और इस पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, और दूसरी अनचार्ज बॉडी ली, ऑब्वियसली जिस पे चार्ज कितना हुआ, जीरो चार्ज होगा। अभी इन दोनों को कांटेक्ट में रखा, इन दोनों को मैंने कांटेक्ट में रखा, ये पहली बॉडी जो चार्ज है, ये दूसरी बॉडी, तो दोनों बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। अगर जो इस पे बॉडी का क्यू चार्ज होगा तो दोनों बॉडी पे चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू बाय टू मींस दोनों पे चार्ज होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है, ये भी इससे भी चार्ज आ जाएगा क्यू बाय टू और इससे भी चार्ज आ जाएगा क्यू बाय टू, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी बॉडी को चार्जिंग बाय कंडक्शन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम्स टू वन सेकंड मेथड, इसको रफ कर रहा हूं मैं, लिख लो आप इसको, लिख लिया तो मैं रख कर रहा हूं। सेकंड मेथड,
चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम क्या करेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन देखते हैं। इसको मैं दो मेथड समझते हैं, दो स्टेप में इसको हम समझेंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, मैंने एक बॉडी ली जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, से ग्लास रॉड। ये मैंने एक बॉडी ली, मान लेते हैं ग्लास रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इसको क्या रखा मैंने, एक कंडक्टर के पास लेके गया इसको, जो कि अनचार्ज है, अनचार्ज बॉडी कंडक्टर। लेट सपोज इसका एक पॉइंट ए और इसका एक पॉइंट बी है। तो जब मैं इसको, इस चार्ज बॉडी को जो कि ग्लास रॉड है, इसको इसके पास लेके गया अनचार्ज बॉडी के, तो हुआ यूं, इसने क्या किया, इसने क्या कर लिया, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ ए, एंड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है, और बी पे यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करा दिया मैंने, अर्थिंग करा दी सैंड की, इस सैंड की मैंने क्या करा दी, अर्थिंग करा दी। अर्थिंग कराने से क्या है, अर्थ अर्थिंग यहाँ पे क्या है, ओशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भंडार है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, ठीक है। अब इस इन इलेक्ट्रॉनों ने इसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, पॉजिटिव को, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बन गए, न्यूट्रलाइज हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। स्टेप टू, रिमेंबर वन थिंग, इसको मैंने अभी इसके इससे दूर नहीं लेके गया, ठीक है, इसी के पास है, ए एंड बी एंड, यहां पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। अब क्या आ गया, जब ये इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, अब मैंने क्या कर दिया, इस अर्थिंग को हटा दिया। अर्थिंग हटाने के बाद अब मैंने ये भी क्या कर दी, जो हमारी ग्लास रॉड थी इसको भी मैंने रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। रिमूव करने के बाद जो जो इलेक्ट्रॉन, ये सारे नेगेटिव चार्ज जो एट द एंड ऑफ ए पे आए थे, ये क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे इस पे, पूरे होल कंडक्टर पे, ठीक है, होल कंडक्टर पे, ठीक है। अब इस तरह से हम, तो इस तरह से हम किसी भी अनचार्ज बॉडी को विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और यहां पे आपको बताना चाहूंगा मैं, जब मैं इस रॉड को, इस ग्लास रॉड को इस कंडक्टर के पास लेके आया, तो यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इन चार्ज को, जो जो चार्ज अपीयर हुए हैं ग्लास रॉड को इसके पास लाने पे, तो इन चार्ज को क्या बोलते हैं हम, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज, इनको क्या बोलते हैं हम, इंड्यूस चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अब तो ये था हमारा सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड से हमने क्या किया, किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। अब आते हैं थर्ड मेथड पे। सिमिलरली अगर जो मुझे पॉजिटिव चार्ज करनी होती किसी बॉडी को, तो मैं इसको क्या लेता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बॉडी लेता, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ नेगेटिव चार्ज किधर आता, बी एंड पे, और पॉजिटिव चार्ज किधर आता, ए एंड पे। फिर इसको क्या करता, मार्किंग कर देता और इसको न्यूट्रलाइज कर देते, नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव, ठीक है, न्यूट्रलाइज करके फिर इसको मैं रिमूव कर देता, रिमूव करने के बाद इसको हटा देता, जो पॉजिटिव चार्ज है क्या करते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को, नेगेटिवली भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड मेथड पे आते हैं,
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन देखेंगे हम किस तरह से हम किसी बॉडी को फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कोई भी दो रैंडमली बॉडी ली, कोई दो बॉडी रैंडम ली, ठीक है, ऑब्वियसली अगर जो और फ्रिक्शन का मतलब क्या, कांटेक्ट का होना जरूरी है, रिलेटिव मोशन का होना जरूरी है। तो क्या किया, किसी बॉडी को, किसी भी दो बॉडी को मैं रब करूं, ऑब्वियसली एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहां पे क्या आ गया, एक पे जब इनको रबड किया ये फ्रिक्शन, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज होगी बॉडी और एक नेगेटिव चार्ज होगी। तो ये देखा गया जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी मींस उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन क्या किए उसने लूज किए। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज किया तो इसका मास क्या कर जाएगा, मास, इलेक्ट्रॉन क्या है स्मॉल पार्टिकल, तो मास क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब जो नेगेटिव चार्ज बॉडी, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज मींस उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन किया तो क्या है मास क्या कर जाएगा उसका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा। अब यहां से मैंने एक पॉइंट पहले बताया था, अभी भी लिखवा देता हूं मैं आपको, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। ठीक है, तो ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इस तरह से हम किसी भी अनचार्ज बॉडी को तीन मेथड से चार्ज कर सकते हैं। पहला मेथड मैंने बताया था आपको चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन, तीसरा मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं जो कि होगा कूलम्स लॉ। ठीक है।